नमस्कार, भक्ति सफर में आप सभी का स्वागत है। वैभव और धन के दाता शुक्र ग्रह उदय हो रही हैं। आपको बता दी 2 अक्टूबर को वह अस्त हो गए थे, लेकिन 21 नवंबर की रात को एक बार फिर से उदय हुए हैं, जिसका प्रभाव इसके बाद से सभी राशियों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन 3 राशियां ऐसी है जिस पर 21 नवंबर के बाद से कुछ ऐसे असर पड़े हैं जिससे कि इनके भाग्य चमक सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये राशियां कौन सी हैं और करियर और कारोबार के क्षेत्र में इन राशियों को कैसा असर देखने को मिलेगा। आइए इसके बारे में बताते हैं जरा विस्तार से। शुक्र ग्रह का उदय होना वृश्चिक राशि के लोगों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि में उदित होने जा रही है, इसीलिए इस समय आपकी सेहत में सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही शुक्र की दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के 7वें भाव पे पड़ रही है, इसीलिए इस समय आपको जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। वहीं जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। आपकी आय में वृद्धि के योग बन रहे हैं, आय के स्रोत भी बढ़ सकते हैं। मीन राशि के जातकों को शुक्र ग्रह का उदय होना करियर और व्यापार में लिहाजा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह आपकी राशि के नवम भाव में होने जा रहा है। ये भाग्य और विदेश यात्रा का भाव माना जाता है। शुक्र के उदय होने का आपको भाग्योदय हो सकता है। साथ ही आप व्यापार के सिलसिले में छोटे या बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं। वहीं जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं वो लोग इस दौरान जा सकते हैं। साथ ही इस समय आपको व्यापार में अच्छा धन लाभ हो सकता है। इस समय कुंभ राशि के जातकों पर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र ग्रह का उदय होना आप लोगों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस समय आपके कारोबार का विस्तार हो सकता है। साथ ही नौकरी पेशा जातकों को भी नए अवसरों की प्राप्ति होगी। वहीं इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आपको किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है। साथ ही कुंभ राशि के लोगों को जो काम बहुत दिनों से अटके हुए लग रहे थे, इस समय अगर करेंगे तो उन काम के बनने की संभावना है। वहीं इस समय आप एक फिरोजा रत्न पहन सकते हैं, जो आपके लिए काफी लकी साबित होगा।